गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय सब्जेक्ट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। आज का मेरा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ मोशन इकोनॉमी, दैट मींस गति अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। एवरी वर्क इन्वॉल्व्स सम और ऑल द थर्बलिक्स एंड ईच थर्बलिक एब्जॉर्ब्स टाइम। ऐसा क्यों और कैसे, इसका आंसर मैंने अपने पहले के क्लास में बताया था। सो किसी भी कार्य को करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादित किया गया है, जिसको कि बैंड्स नामक साइंटिस्ट ने दिया। दैट मींस टू रिड्यूस द टाइम टेकन फॉर परफॉर्मिंग एनी वर्क, सम प्रिंसिपल्स हैव बीन प्रोपाउंडेड बाय बैंड्स। सो हम लोग अब जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी किसको बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी फॉर्म ए सेट ऑफ रूल्स एंड सजेशंस टू इम्प्रूव द मैनुअल वर्क इन मैन्युफैक्चरिंग एंड रिड्यूस फैटिग एंड अननेसेसरी मूवमेंट्स बाय द वर्कर, विच कैन लीड टू द रिडक्शन इन द वर्क रिलेटेड ट्रॉमा, दैट इज फिजिकल इंजरी। सो प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग में मैनुअल वर्क को बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नियमों और सुझावों का एक सेट क्रिएट करता है, जिससे कि वर्कर्स द्वारा थकान और अनावश्यक मूवमेंट को कम कर सके, जिससे काम से संबंधित फिजिकल इंजरी, जिसको कि हम लोग ट्रॉमा बोलते हैं, वो इसमें कमी आ सकती है। सो यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी का पहला प्रिंसिपल है यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट मेरा पॉइंट है, बोथ द हैंड्स शुड स्टार्ट एंड फिनिश देयर मोशंस एट द सेम टाइम। दैट इज दोनों हाथों को एक ही समय में, दोनों हाथों को एक ही समय में शुरू करना और समाप्त करना चाहिए। सेकंड है, बोथ दी हैंड्स शुड नॉट बी मेड आइडियल साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट वाइल एट रेस्ट। दैट मींस आराम करते समय दोनों हाथों को एक साथ आइडियल नहीं बनाना चाहिए, एक्सेप्ट एट रेस्ट। रेस्ट को छोड़ के बाकी समय में दोनों हाथों को एक साथ आइडियल नहीं बनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आर्म्स मोशन शुड बी साइमेट्रिकल एंड साइमल्टेनियस। आर्म्स मोशन साइमेट्रिकल और एक साथ होने चाहिए। नाउ मेरा थर्ड पॉइंट जो है इन यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी में है, मिनिमम मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड बॉडी। दैट मींस एज फॉर एज पॉसिबल अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर मिनिमम मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स एंड बॉडी। जहां तक संभव हो हाथों और शरीर को मिनिमम मूवमेंट्स के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स शुड बी अवेल्ड इन प्रिफरेंस ऑफ कंटिन्यूअस कर्व्ड मूवमेंट्स। दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस कर्व्ड मूवमेंट्स की तुलना में स्ट्रेट लाइन मूवमेंट का फायदा हम लोग को उठाना जाना चाहिए, मीन्स लाभ उठाया जाना चाहिए। सो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट्स को यहाँ पे हम लोग इग्नोर करके हम लोग कंटिन्यूअस कर्व मूवमेंट को यहाँ पे
बढ़ाते हैं। नाउ सिक्स पॉइंट है बैलिस्टिक दैट इज फ्री स्विंगिंग मूवमेंट्स। बैलिस्टिक दैट इज फ्री स्विंगिंग मूवमेंट्स शुड बी प्रीफर्ड ओवर कंट्रोल्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स। दैट मीन्स नियंत्रित और प्रतिबंधित मूवमेंट्स पर हम लोग फ्री स्विंगिंग दैट मीन्स उतार चढ़ाव या परिवर्तन वाले मूवमेंट्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसका सिक्स पॉइंट है। सेवन पॉइंट कहता है कि वर्क शुड बी अरेंज्ड। दैट मीन्स वर्क शुड बी अरेंज्ड टू गिव द ऑपरेटर रिपीटेटिव नेचर ऑफ मोशन दैट इज राइदम इन मोशन। मीन्स ऑपरेटर को गति की पुनरावृत्ति देने के लिए उसके कार्य की प्रकृति की व्यवस्था ऐसे की जाना चाहिए ताकि उसको लगातार जो है वो अपने काम को जारी रख सके। इस तरह से वर्क का अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव मिनिमम आइज मूवमेंट्स। उसका आइज का जो मूवमेंट है वो क्या होना चाहिए सो दैट थर्वलिक्स एंड सर्च एंड फाइंड टेक मिनिमम टाइम। मीन्स वर्क को इस तरह से अरेंज करें कि आइज का मिनिमम मूवमेंट हो सके जिससे कि थर्वलिक सर्च एंड फाइंड का में जो हम लोग को समय लगता है वो कम लगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है मोमेंटम शुड बी मिनिमाइज्ड। मोमेंटम शुड बी यूज्ड फॉर हेल्पिंग दी ऑपरेटर बट दी मोमेंटम शुड बी मिनिमाइज्ड इफ इट इज टू बी ओवरकम बाय मस्कुलर इफेक्ट ऑफ द ऑपरेटर। दैट मीन्स ऑपरेटर की मदद के लिए गति का उपयोग किया जाना चाहिए लेकिन गति को मिनिमाइज होना चाहिए अगर इसे ऑपरेटर के फिजिकल एफर्ट के प्रयास से दूर करना है। मीन्स मोमेंटम होने चाहिए लेकिन वो मिनिमम होने चाहिए। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल जो है वो मेरा मोशन इकोनॉमी का है वो है अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस। नाउ फर्स्ट पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट आता है वो है डेफिनेट प्लेसेस शुड बी फिक्स्ड अप। मीन्स डेफिनेट प्लेसेस शुड बी फिक्स्ड अप दैट मीन्स जो प्लेस्ड हम लोगों ने फॉर ऑल टूल्स एंड वर्कपीस के लिए जो प्लेस निर्धारित किया है वो फिक्स होना चाहिए। मीन्स सभी टूल्स और वर्कपीस के लिए निश्चित स्थान निर्धारित होना चाहिए। टू रिड्यूस सर्चिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स शुड बी प्री पोजिशन। सर्च को रिड्यूस करने के लिए उपकरण और कार्यस्थलों को पूर्व निर्मित किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वर्क पीस डिलीवर्ड एट द नियरेस्ट टू द वर्क स्टेशन। दैट इज द वर्क पीस शुड बी डिलीवर्ड एट द नियरेस्ट टू द वर्क स्टेशन बाय ट्रांसफर मशीन्स। दैट मीन्स मशीन के ट्रांसफर द्वारा वर्क पीस की डिलीवरी वर्क स्टेशन के नजदीक की जानी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टूल्स मटेरियल्स एंड कंट्रोलिंग। टूल्स मटेरियल एंड कंट्रोलिंग लीवर्स शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टूल वर्कपीस शुड बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। मीन्स उपकरण सामग्री और नियंत्रण लीवर को ऑपरेटरों के दोनों हाथों की आसान पहुंच के भीतर स्थित होना चाहिए। मीन्स ऑपरेटर है जो दोनों हाथों से वहां तक पहुंच सके उस तरह से उस उपकरण का सामग्री का नियंत्रण लीवर का उस तरह से उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स मटेरियल्स एंड कंट्रोलिंग लीवर शुड बी लोकेटेड विद इन इजी रीच। ये मेरा फोर्थ पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है टूल्स एंड वर्क पीसेस शुड बी अरेंज अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस। सीक्वेंस के अनुसार होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट मेड फॉर ऑटोमेटिक डिस्पोजल। अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर ऑटोमेटिक डिस्पोजल ऑफ द फिनिश्ड वर्क पीसेज। जो वर्क पीस मेरे पास तैयार हो गया है उसको
वर्ल्ड पीस के स्वचालित डिस्पोजल के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। जो मेरा वर्क जो तैयार हो गया है उसको ऑटोमेटिक डिस्पोजल के लिए उसका अरेंजमेंट होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एडिक्वेट लाइट कंफर्टेबल चेयर कन्वीनियंट हाइट ऑफ दी वर्क प्लेस शुड बी प्रोवाइडेड। मीन्स कार्यस्थल को पर्याप्त बिजली कंफर्टेबल चेयर और सुविधाजनक ऊंचाई प्रदान की जानी चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट है वर्क प्लेस एंड वर्क पीसेज हैव कलर कॉन्ट्रास्ट दैट इज वर्क पीस और वर्क प्लेस विपरीत रंग के होने चाहिए। ये जो मेरा ये सारा जो था वो अरेंजमेंट ऑफ दी वर्क प्लेस के अंदर था इन प्रिंसिपल ऑफ मोशन इकोनॉमी। सो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी का मोशन इकोनॉमी का तीसरा प्रिंसिपल है डिजाइन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स डिजाइन्स ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। इसके अकॉर्डिंग जो पहला पॉइंट है वो है जिग फिक्स्चर्स और टू और फुट ऑपरेटेड डिवाइस दैट मीन्स एज फॉर एज पॉसिबल जिग फिक्स्चर और फुट ऑपरेटेड डिवाइस शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ हैंड्स फॉर होल्डिंग द वर्क पीस। मीन्स वर्क पीस को होल्ड करने के लिए हैंड्स के स्थान पर जहां तक संभव हो सके जिग फिक्स्चर या पैर से संचालित जो भी डिवाइस है उसको यूज करना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट है टूल्स शुड बी कंबाइंड इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो उपकरण कंबाइंड होना चाहिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज लोड टू ईच फिंगर इफ फिंगर्स आर यूज्ड देन लोड टू ईच फिंगर गिवेन ईच फिंगर शुड बी गिवेन अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। यदि फिंगर्स का हम यूज कर रहे हैं तो प्रत्येक फिंगर का भार उसकी क्षमता के अनुसार दिया जाना चाहिए। मतलब प्रत्येक फिंगर पे जो हम लोग भार देंगे वो उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार देंगे। नाउ हैंडल्स ऑफ लीवर्स क्रेन्स और लार्ज स्क्रू ड्राइवर शुड बी मेड सफिशियंटली लार्ज सो दैट देयर इज मैक्सिमम कॉन्टेक्ट विथ द हैंड्स दैट इज लीवर्स क्रेन्स लार्ज स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल को पर्याप्त रूप से बड़ा बनाना चाहिए ताकि हाथों को साथ उसका मैक्सिमम कॉन्टेक्ट बना रहे ताकि जो फिजिकल इंजुरी से उसे बचाया जा सके। नाउ लास्ट पॉइंट इज द लीवर्स क्रॉस बार्स हैंड व्हील इटीसी अरेंज्ड विद इन लीस्ट चेंज इन देयर बॉडी पोजिशन दैट मीन्स कह सकते हैं कि लीवर्स हैंड व्हील इत्यादि इस प्रकार से अरेंज्ड होना चाहिए कि ऑपरेटर्स इसका इस्तेमाल कम से कम अपने बॉडी पोजिशन को चेंज किए बिना कर सके दैट इज ऑपरेटर के बॉडी पोजिशन का मूवमेंट कम से कम होना चाहिए ताकि जो मेरा थर्मलिस्ट के अनुसार जो है वो समय की बचत हो सके मीन्स समय का यूज हो सके कम समय लगे। नाउ एप्लीकेशन ऑफ मोस्ट देवा प्रिंसिपल आर मेड इन ऑटोमोबाइल्स इसका एप्लीकेशन जो है हम जनरली इसका एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल में देखने को मिलता है। ऑटोमोबाइल में जैसे कि द शेप एंड साइज ऑफ द हैंडल्स द शेप एंड साइज ऑफ द हैंडल्स ऑफ स्कूटर्स आर स्टिल अंडर मोडिफिकेशन एंड वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल टू गिव मोर कम्फर्ट टू दी ड्राइवर ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग जैसे द रेसिंग साइकिल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंडल्स देन ऑर्डिनरी साइकिल एंड द पोजिशन एंड साइज ऑफ ब्रेक्स डायमीटर ऑफ हैंडल ऑफ स्कूटर्स एंड डिजाइंड कीपिंग इन व्यू देयर इजी ऑपरेशन जैसे मैंने यहाँ बताया कि लीवर्स और मशीन टूल के बारे में तो वो भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे द लीवर ऑफ ए मशीन टूल सच एज लेथ ड्रिलिंग मशीनिंग इटीसी आर कलर्ड जनरली इन रेड व्हाइल द बॉडी ऑफ दीज मशीन टूल्स हैव ग्रे कलर। सो इस तरह से इसका जो है वो एप्लीकेशन है वो ऑटोमोबाइल्स में इसका डिफरेंट डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स में इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा इस सब्जेक्ट का लेक्चर पसंद आ रहा है
तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सके और मैं आपके साथ बनी रहूं। सो वेल, और हाँ, अगर आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। सो आज का टॉपिक अगर मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।